तो देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो मोदी जी का नाम है वो बीजेपी के लिए कवच भी है और हथियार भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने मोदी के नाम पर बड़ी सियासी लड़ाइयां जीती है। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल की संसद सदस्यता का छिन जाना क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ घाटे की बात है? राहुल की सांसदी का छिन जाना कांग्रेस के लिए संजीवनी भी साबित हो सकता है, बशर्ते पार्टी अपने मोहरे सही तरीके से अगर चलती है। चार मुद्दे तक तो तरफ तो आपका ना एनडीए गवर्नमेंट का, ना इनके मंत्रियों का, ना मोदी जी का ध्यान जा रहा, ना अमित शाह का ध्यान जा रहा है। ध्यान जा रहा राहुल गांधी को किस प्रकार से हम हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी कैसे घेरे हैं। बोलने दिया नहीं गया हाउस के अंदर पहले, हाउस से बाहर उनको आउट कर दिया। देश उनको माफ नहीं करेगा। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है, नफरत है, इसके खिलाफ पद यात्रा थी, और इस कहां से डर के मारे ये सब सारे कवायद किया जा रहा है, सारे निर्णय जो लिया जा रहा है। ये तीन सियासी दिग्गज देश के तीन अहम सूबों में कांग्रेस के पिलर हैं। तीनों ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से भड़के हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, इनके शब्दों में आक्रोश भरा है और आंखों में उम्मीद। उम्मीद इसलिए क्योंकि इस साल के आखिर में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी नाम है, और हिंदी बेल्ट के इन तीन स्टेट का रिजल्ट काफी हद तक साबित कर देगा कि जनता सियासत के इस राहुल एपिसोड को कैसे देख रही है। कांग्रेस के अंदर एक सोच ये भी है कि अपकमिंग इलेक्शंस में उसे झोली भर भर कर सिंपैथी वोट मिलेंगे, लेकिन बीजेपी को ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता। मैं इस कार्रवाई की घोर निंदा करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं इस कार्रवाई से साफ हो रहा है। कोर्ट ने उन्हें मोहलत भी दी माफी मांगने के लिए, इन्होंने अहंकार में माफी नहीं मांगा तो कोर्ट ने सजा कर दी, और आज अपने ही किए हुए का फल भुगत रहे हैं। राहुल गांधी चूंकि साउथ इंडिया की वायनाड सीट से सांसद थे, लिहाजा तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव में भी सदस्यता रद्द होने का मुद्दा खूब गूंजेगा। कांग्रेस पार्टी इसे ही प्राइम इश्यू बना सकती है। I was stunned by this decision and particularly by the unseemly haste with which it was carried out. I can't understand the logic. लेकिन लड़ाई लंबी है और वक्त कम। अगले साल लोकसभा चुनाव है। जो नरेंद्र मोदी आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे, जिन्होंने सियासत में आज तक विरोधियों को सिर्फ शिकस्त दी है, सवाल है ऐसे मजबूत चुनावी प्रतिद्वंदी को घेरने के लिए क्या सदस्यता रद्द होने का मामला काफी है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।